दिल्ली के नरेला में सीपीजे कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ ने उमंग के साथ दिवाली उल्लास मनाया। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने जमकर मस्ती की, स्टूडेंट्स ने रंगोली बनाई, स्टूडेंट्स ने तरह तरह के पकवान बनाए जिन्हें मुख्य अतिथियों ने देखा तो जमकर सराहना भी की। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि सुरेश जैन व सुभाष चंद जैन ने दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ की। उद्घाटन समारोह के बाद युगांग चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया और मुख्य अतिथि गणमान्य व्यक्तियों और छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोहराया कि दिवाली एक खुशी का महोत्सव है, हमें समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने का जश्न मनाना चाहिए और एक दूसरे के लिए अभिवादन भी करना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजकों से इतना जरूर कहूंगा कि हरियाणा बहुत डेवलप्ड है, भारत सांस्कृतिक रूप से बहुत विकसित देश है। देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में मैं जाता हूं, कॉलेजों में बहुत अच्छे मनोरंजक भी और संस्कारित भी ऐसे कार्यक्रम रहते हैं। टीवी की नकल करके चीप टाइप ऑफ कार्यक्रमों से बच करके हल्की बच्चों की वाहवाही ना लेकर के बच्चों में संस्कार निर्माण करने का काम करना चाहिए। आज देश में वातावरण ऐसा है कि बच्चों में हर एक कार्यक्रम का, हर एक इवेंट का कुछ न कुछ संदेश आए, कुछ न कुछ उनको संस्कार मिले। अध्यापक अध्यापक जो भी रहते हैं उनको भी अधिक क्रिएटिव होकर के, अधिक विजन रख करके बच्चों के, हाँ ये ठीक है कि मनोरंजक होने चाहिए, मनोरंजक के साथ साथ संस्कारित कार्यक्रम भी होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने अलग अलग पकवान बनाए थे, उनको मुख्य अतिथियों ने खाया तो उन्होंने बेहद तारीफ की, कहा कि बड़े बड़े फाइव स्टार होटल्स के अंदर इस तरह का पकवान नहीं बन पाता जितना बच्चों ने बनाया है। इस मौके पर बच्चों ने मंच पर जमकर मस्ती की, एंजॉय किया, खुशी के साथ दिवाली का पर्व मनाया। पिछले कई सालों से इस तरह से सामूहिक दिवाली बच्चे इस कॉलेज में मनाते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने शरीर में रक्त का एक नया संचार कर पाते हैं। यहाँ बच्चों का कहना था कि वो घर पर यदि परिवार के कुछ मेंबर्स के साथ दिवाली मनाते हैं वहाँ आनंद तो आता है लेकिन इतना ज्यादा आनंद नहीं आता जितना वो अपने सैकड़ों मित्रों के साथ यहाँ कॉलेज में दीपावली मनाते हैं। यहाँ अपने दोस्तों के साथ दीपावली मनाने का, अपने टीचर्स के साथ दीपावली मनाने का अलग ही मजा है। इसलिए सीपीजे कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स को दीपावली पर्व का हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब दीपावली आए और वो इस तरह का एंजॉय अपने कॉलेज में करें। नहीं ये सर क्या है, हर चीज जरूरी होती है, पढ़ाई भी जरूरी है और स्पोर्ट्स भी जरूरी है, हर एक्टिविटी जरूरी होती है। मतलब जो एजुकेशन है वो उसके साथ जब तक सब कुछ मिक्स ना हो तब तक कैसे, तभी सारा मतलब फुलफिल होता है, मतलब कंप्लीट उसको जो कहेंगे। पिछले चार सालों से इस तरीके का जो फंक्शन आप कर रहे हैं बच्चों में, बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, उत्साह से करते हैं, आप देख रहे हो सारा बिना बच्चों की मेहनत और उत्साह के कैसे हुआ है वो। दिवाली के मौके पे क्या संदेश देंगे बच्चों को, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको? बच्चों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं,
सब अच्छी तरह से आगे बढ़े और अच्छी तरह से दीपावली मनाएं। कॉलेज का नाम होगा। छात्रों से बातचीत करते हुए सुभाष जैन और डॉक्टर अभिषेक जैन ने कहा, अब आपके भीतर अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने और आशा की रोशनी के साथ इसे बदलने का समय है। अपने दिलों के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो, यही कामना दीपावली पर इन्होंने की। जो कि परफॉर्म करने आ रहे हैं, तो हमारा बेसिक उद्देश्य कॉलेज का ही रहता है कि हर साल आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एडिशन हो, कोई वैल्यू एडिशन हो। तो जैसे आप पिछले सालों के हमारे उल्लास फेस्टिवल को देख रहे होंगे, दिवाली के फेस्टिवल को, तो उसमें किस तरह से एडिशन हुई है वो आपको दिख ही रहा होगा कि जिस तरह से भव्य आयोजन है वो हर साल की अपेक्षा इस समय बेहतर है। हम चाहेंगे कि अगले साल इसे और कुछ बेहतर करें। जी, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा बैलेंस स्ट्राइक कराते हैं हम, कि जिस समय आपने देखा कि इस समय कौन से सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि जिनको कि अगर आप उसमें डाल रहे हैं जो कि प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उसमें उनका एकेडमिक लॉस ना होए बिल्कुल भी, उसके प्रति हम बिल्कुल जागरूक हैं, मतलब देख रहे होते हैं। तो उसमें सभी बच्चों के लिए एक अच्छा एक ब्रेक रहता है, और उस ब्रेक के बाद जैसे आप देखेंगे कि इसके बाद आपके एक्सटर्नल्स शुरू हो जाएंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस 20th November ऑनवर्ड्स, और फिर उसके बाद एक विंटर ब्रेक तक का जो माहौल है वो पूरा एकेडमिक्स ही एकेडमिक्स का रहेगा। दैट इज द थिंग। सांस्कृतिक समिति के सुस्कृत सुश्री मीनाक्षी खन्ना ने नो क्रैकर्स कहने की इच्छा को बढ़ावा देने छात्रों और बच्चों और युवाओं द्वारा इको फ्रेंडली दीपावली का जश्न मनाने के अभियान पर जोर दिया। एक प्रतिज्ञा ली गई, केवल प्रदूषण मुक्त आतिशबाजी का ही उपयोग करने के लिए इकट्ठा करना होगा। संदेश दिया गया कि पोल्यूशन वाली दिवाली हम नहीं मनाएंगे, हम ऐसी दीपावली नहीं मनाएंगे जिससे हमारे बच्चों में, साथियों में कुछ रोग उत्पन्न हो, जिनकी उम्र उस दिवाली से कम हो। ऐसी प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, तो हम बड़ों को भी चाहिए थोड़ा प्रोत्साहित करना बच्चों को, और बच्चे तो हैं ही इंटेलिजेंट सीपीजे के बच्चे। पढ़ाई के साथ साथ जब इस तरीके का मौके आते हैं, बच्चों में लगता है रिफ्रेशमेंट आ जाती है। हाँ, एब्सोल्युटली डिफरेंट आती है बच्चों में, क्योंकि बच्चे थोड़ा चाहते हैं एक्टिविटीज, थोड़ा एक्स्ट्रा, खाली पढ़ाई पढ़ाई से नहीं होगा। हाँ, बोर हो जाते हैं तो थोड़ा जीवन में उल्लास चाहिए, इसीलिए दीपावली पे आप क्या समझ रहे हैं? शुभकामनाएं बच्चों के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए, आगे बढ़ें और सीपीजे का भी नाम करें, अपने पेरेंट्स का भी नाम ऊँचा करें। छात्रों ने सुंदर गीत, संगीत, नृत्य, भांगड़ा, अलग अलग राज्यों के गीत संगीत, अलग अलग राज्यों की संस्कृति का मंच पर प्रदर्शन किया, जो सभी को चौंकाने वाला था। इसके बाद कई तरह के बैंड का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे बच्चे काफी उत्साहित नजर आए।